फ्रेंड्स, कैसे हो आप? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचर कुछ अलग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मैं सुबह ये देखिए बन रही है चाय, अगर आपको दिख रही होगी तो। अगर चाय के साथ पराठे मिल जाए तो वही मज़ा आता है। देखिए पराठे खाने के बोल रहा है सुबह सुबह चाय मिल जाए तो चाय का मजा ही कुछ अलग होता है। तो आप भी चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए। ये है चने की भाजी, जो चने की पत्ती टूटती ना उसकी भाजी बनी है। और ये पराठे बने थे सुबह नाश्ता के लिए। और ये रही रोटी, रोटी रख देता हूँ, पराठे खाने वाला हूँ। और ये देखिए पानी कुप्पे वगैरह खाली पड़े हैं, पानी नहीं आता है अभी। पानी की वो समस्या चल रही है, गर्मी में पानी का लेवल भी कम हो जाता है इसलिए पानी नहीं मिल पाता है। ये देखिए पूरा कुप्पे वगैरह टप खाली पड़े हैं। यह मेरा गांव, आपको थोड़ा हल्का फुल्का दिखा देता हूँ मैं। ये मेरे मुर्गे भाग रहे हैं। ये मंदिर, ये मेरी रही भूरी, ये मेरे घर के सब सामान देख लो दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। कूलर ये सो रहा है युवान। आप जो ये रस्सी देख रहे हो ना, इसको मैं काट के इसमें गठन मारने वाला हूँ। ये लकड़ी ले के आने के लिए काम में आती है। अब इसको मैं काट के आपको दिखाता हूँ बना के किस तरह बनी जाती है। चाकू लेने जा रहा हूँ अंदर, चाकू ले जाता हूँ। ये चाकू लेके आ गया मैंने, अब दिखाता हूँ आपको कैसे काटते हैं इसको, काट के किस तरह बांधते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं रस्सी लेके चाकू लेके आ गया था और रस्सी काट दी है। हम इसको जला के पिघला मतलब उसको बराबर करूँगा लेवल लेके, ताकि रस्सी का जो मुँह है ना वो निकले नहीं बाहर। उसको गठान बांध के अच्छे से उसको करना है, मतलब बना के काट लेता हूँ दोनों तरफ से। चाकू से काटना पड़ेगा अभी तो। छोटी बड़ी रस्सी हो जाती है फिर भी वो। देखिए अभी रस्सी को बराबर काटना है, चार रस्सी बनाना है मुझे इसकी। जो लकड़ी वगैरह काटते हैं ना हम गांव में लोगों, तो उसके काम में आती है रस्सी गट्ठे बांधने के लिए। जो गांव से होंगे वो बराबर पहचानेंगे कि रस्सी क्यों किस काम से। इनके जब मुंह निकले ना इनको जलाना पड़ेगा, अगर इसको नहीं जलाएंगे तो ये पूरे बाहर निकल जाते हैं, फिर रस्सी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जला के इसको, चलिए मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ। ये मोमबत्ती ले आया था मैंने, पुराने समय में बत्ती जलाते थे घास लेट की, ये वही है। इसको मैं जला के रख रहा हूँ, घास लेट डाला था अभी। इसको जला के बराबर करना पड़ेगा अभी। अभी तो मोमबत्ती से मैं देखी उस साइड से, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये हाथ में भी लग गया था। देख दो बार मेरा हाथ जल गया इसके अंदर लग करने में, क्योंकि मेरे मोबाइल में आवाज़ थोड़ी कम आती है, इसलिए मैं पहले वीडियो बना लेता हूँ उसके बाद एडिटिंग करता हूँ। ये मेरा छोटा बड़ा वाला भतीजा आ रहा है, वो डरता बहुत है वैसे, तो इधर आता नहीं है वो। इसको दो एक बार बुलाऊँगा जब आएंगे इधर। वो बच्चों को थोड़ा डर भी होना ज़रूरी है और थोड़ा प्यार भी ज़रूरी है, दोनों का लेवल एक जैसा रह रहे तो अच्छा रहता है। तो देखिए अभी मोमबत्ती से बत्ती से मैं जला रहा हूँ रस्सी, सबका मुँह एक जैसा कर लेता हूँ। फिर आपको मैं उसके में गठान कैसे बांधती है, किस तरह बन के वो तैयार होती है आपको दिखाने वाला हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको मेरी थोड़ी बहुत भी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं भी एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, ना ही मैं इतना रईस हूँ ना ही ज़्यादा मैं गरीब हूँ। आपका सपोर्ट और आपका प्यार मुझे चाहिए, ताकि मैं आगे अच्छी ज़िंदगी जी सकूं। जैसा भी होगा, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है। मेरा काम तो वीडियो बनाने का है, बना के डालूँगा। चार रस्सियों के चारों तरफ से मुंह जला के करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बनेंगे, पर वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएंगे कि किस प्रकार से मैंने उसको हटाने बांध दिए, क्या किया है। देखिए मैं इसको
जलाने के बाद नीचे रगड़ रहा हूँ ताकि वो बराबर बन जाए, इसके रुए ना निकले रस्सी से। ये देखिए गठान में बांध दी है। तो फाइनली चारों रस्सी के मुंह जलाना हो गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह बांध के तैयार की थी मैंने। ये देखिए इस तरह इनके चारों के मुंह बांध दिया हूँ, जिस तरह बांधनी पड़ती है। पर मुझे आपको बांध के दिखाना था, मगर वो मेरे पास वीडियो बनाने का तो टाइम नहीं था, मुझे लकड़ी लेने जाना था इसलिए। तो चलिए सुनिए चिड़ियों की आवाज़, गल गल लेके चिड़िया है क्या पता। अभी दूध लेने गया था, दूध लेकर घर जा रहा हूँ। ये रहा मैं दूध का डब्बा, अभी घर जाता हूँ, घर जाके आपसे मिलता हूँ। ये लाइन पे जा रहा हूँ क्योंकि डर लगता है गाड़ी से आने का, तो मिलता हूँ घर जाके आपसे। ये देखिए बन रही है खिचड़ी, ये पक रहा है मसाला, ये मास्टर से कुलदीप बार से, ये दूध का डब्बा। घर आ गया हूँ, घर आके दूध का डब्बा भी रख दिया था। आज मेरे घर बन रही है खिचड़ी। आपको खिचड़ी कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।